नमस्कार, भारत के पहले मोबाइल न्यूज चैनल मेट्रो टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं अनामिका। इस खास न्यूज बुलेटिन में खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। बीजेपी विधायक संगीत सोम का विवादित बयान, यूपी में बीजेपी को हराना पाकिस्तान बनाने जैसा, यूपी चुनाव को बताया हिंदुस्तान पाकिस्तान की जंग जैसा। एनडीए के घटक दल आरएलएसपी में उठापटक, पार्टी से सांसद अरुण कुमार और विधायक ललन पासवान निलंबित। पहले बिहार आरएलएसपी अध्यक्ष पद से हटाया गया था सांसद अरुण कुमार को। बिहार के गोपालगंज में जहरीले शराब से चार और लोगों की मौत का दावा, अब तक कुल 17 लोगों की मौत। थानाध्यक्ष समेत 25 पुलिसकर्मी एक साथ सस्पेंड, प्रशासन सामूहिक जुर्माना पर कर रहा है विचार। पहलवान नरसिंह के पिता ने पीएम से की मामले में हस्तक्षेप की गुजारिश, भारतीय कुश्ती महासंघ ने मामले की सीबीआई जांच की मांग की। और बिहार यूपी में बारिश से बिगड़े हालात, मध्य प्रदेश और राजस्थान के लिए अगले 48 घंटे भारी। मौसम विभाग ने पश्चिम मध्य प्रदेश में जारी किया रेड अलर्ट। मध्य प्रदेश के पश्चिमी हिस्से में अगले 24 से 48 घंटों में मूसलाधार बारिश का अंदेशा है। मौसम विभाग ने पश्चिमी मध्य प्रदेश के लिए 20 अगस्त तक के लिए रेड अलर्ट जारी कर दिया है। उधर दूसरी तरफ डीप डिप्रेशन झारखंड से आगे बढ़कर दक्षिणी उत्तर प्रदेश और उत्तर पूर्वी मध्य प्रदेश से गुजरता हुआ पश्चिमी मध्य प्रदेश पहुंच रहा है। इस वेदर सिस्टम की वजह से पिछले 24 घंटों में उत्तर पूर्वी मध्य प्रदेश और दक्षिणी यूपी में कई जगह बहुत भारी बारिश का रिकॉर्ड की गई है। पूर्वोत्तर भारत के तमाम इलाकों में एक बार फिर से बारिश तेजी पकड़ेगी। जहां एक तरफ पश्चिमी मध्य प्रदेश में मूसलाधार बारिश की आशंका अलर्ट है, तो वहीं दूसरी तरफ राजस्थान के पूर्वी हिस्से में भारी बारिश का सिलसिला अगले 24 घंटे में एक बार फिर से शुरू हो जाएगा। बलूचिस्तान के बलोच स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन की चेयरपर्सन करीमा बलोच ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना भाई मानते हुए एक वीडियो मैसेज दिया है। रक्षाबंधन की बधाई देते हुए उन्होंने पीएम से भावुक अपील की है कि वो बलूचिस्तान के लापता भाइयों की तलाश और इस और लड़ाई में उनका साथ दे। ट्विटर पर अपने वीडियो मैसेज में करीमा बलोच ने कहा है, रक्षाबंधन के दिन बलूचिस्तान की एक बहन भाई मानकर आपसे कुछ कहना चाहती है। बलूचिस्तान में कितने ही भाई लापता है, कई भाई पाक सेना के हाथों मारे गए हैं, बहनें आज भी लापता भाइयों की राह तक रही है। हम आपको ये कहना चाहते हैं कि आपको बलूचिस्तान की बहनें भाई मानती हैं। आप बलोच नरसंहार, युद्ध अपराध और मानवाधिकार हनन के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर बलोचों और बहनों की आवाज बने। पटना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस इकबाल अहमद अंसारी ने लोकतंत्र की खूबसूरती बताते हुए देश के राजनीतिक हालात पर गंभीर टिप्पणी की। यही नहीं, उन्होंने अफसोस जताते हुए कहा कि जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिए नेताओं को चुनकर सदन भेजा जाता है, वे पूरा नहीं हो रहा, क्योंकि उन्हें तो सिर्फ माइक्रोफोन फेंकने से मतलब है। उन्होंने कहा कि कानून बनाने वाले फेल हो रहे हैं। मुख्य न्यायाधीश अपने सम्मान में आयोजित एक समारोह में बोल रहे थे। न्यायमूर्ति इकबाल अहमद अंसारी ने इशारों इशारों में राजनेताओं पर कड़ा प्रहार करते हुए कहा, जिनको हमने भेजा है कानून बनाने के लिए, वो कानून बनाते हैं या नहीं बनाते हैं, ये फैसला तो आपको करना है। सीआरपीएफ ने जम्मू कश्मीर उच्च अदालत से कहा है कि भीड़ पर नियंत्रण के उपाय के तौर पर अगर पैलेट बंदूक पर रोक लगाई जाती है, तो कठिन हालात में जवानों को मजबूरन गोलियां चलानी पड़ेगी, जिससे और ज्यादा मौतें हो सकती है। उच्च अदालत को दिए गए हलफनामे में सीआरपीएफ ने कहा है, सीआरपीएफ के पास मौजूद विकल्पों में से अगर पैलेट बंदूक हटा लिया जाता है, तो कठिन परिस्थितियों में सीआरपीएफ के जवानों को राइफल से गोली चलानी पड़ेगी, इससे और ज्यादा मौतें होने की आशंका है। अर्धसैनिक बल का यह हलफनामा अदालत में दायर उस याचिका के जवाब में आया है, जिसमें घाटी में भीड़ नियंत्रण के उपाय के तौर पर पैलेट बंदूक के इस्तेमाल पर रोक लगाने की मांग की गई थी। कुछ दिनों पहले ही बॉलीवुड स्टार शाहरुख खान को अमेरिका एयरपोर्ट पर रोका गया था, जिससे उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। अब दिग्गज अदाकारा शबाना आजमी के साथ अमेरिका के शिकागो एयरपोर्ट पर कुछ ऐसा हुआ जो चौंकाने वाला था। दरअसल शबाना अपनी एक फिल्म की शूटिंग के लिए शिकागो पहुंची थी। एयरपोर्ट पर उतरने के बाद
इमिग्रेशन ऑफिसर ने शबाना आजमी को यहाँ आने का कारण पूछा। इस बात का जवाब देते हुए उन्होंने कहा, मैं यहाँ शूटिंग करने आई हूँ। इतना सुनने के बाद ही इमिग्रेशन ऑफिस ने ऊंची आवाज में पूछा, किसे शूट करने के लिए यहाँ आई हो? शबाना ने अधिकारी को कहा, मैं एक कलाकार हूँ और आमतौर पर हम इसी तरह कहते हैं। इसके बाद शबाना को एहसास हुआ कि आगे से वह कभी शूटिंग शब्द का इस्तेमाल नहीं करेगी। साथ ही ये भी एहसास हुआ कि पूरी दुनिया में आतंकवाद को लेकर कितना डर है। भारतीय कुश्ती महासंघ ने स्वीकार किया है कि वह खेल पंचायत को ये यकीन नहीं दिला सका कि पहलवान नरसिंह यादव साजिश का शिकार हुआ है और यही वजह है कि फैसला उसके पक्ष में नहीं गया, जिससे रियो ओलंपिक से बाहर होने के साथ 4 साल का प्रतिबंध झेलना पड़ा। WUFI अध्यक्ष ब्रिजभूषण शरण सिंह ने कहा कि खेल पंचायत की समिति ये जानने पर अड़ी थी कि यदि कोई साजिश हुई है तो गुनहगार को अभी तक सजा क्यों नहीं मिली। सिंह ने कहा, ये नरसिंह और देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है कि ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले खिलाड़ी को एक साजिश का शिकार होने के बाद प्रतिबंध झेलना पड़ा। उन्होंने कहा, हम पूरे मामले की CBI जांच की मांग करते हैं। पूर्व क्रिकेटर और नेता नवजोत सिंह सिद्धू के सियासी डगर को लेकर अटकलों का बाजार गर्म है। BJP से नाराज चल रहे सिद्धू के पंजाब चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी में शामिल होने को लेकर लगाए जा रहे कयासों की दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पुष्टि की है। उन्होंने ट्विटर पर लिखा है कि सिद्धू ने उनसे पिछले हफ्ते मुलाकात की थी, लेकिन पार्टी ज्वाइन करने को लेकर कोई शर्त नहीं रखी। केजरीवाल ने शुक्रवार सुबह सुबह एक के बाद एक 3 ट्वीट में आपके राष्ट्रीय संयोजक केजरीवाल ने लिखा, वे एक अच्छे इंसान हैं और एक महान क्रिकेटर। वे पार्टी में शामिल हो या ना हो, उनके लिए मेरा सम्मान हमेशा बना रहेगा। राजस्थान में पाकिस्तान के जासूसी और आतंकी नेटवर्क का बड़ा खुलासा हुआ है। जैसलमेर में पाकिस्तानी पासपोर्ट पर भारत आए एजेंट नंदलाल महाराज को गिरफ्तार किया गया है। खुफिया सूत्रों के मुताबिक राजस्थान से लगती पाकिस्तान सीमा से अलग अलग जगहों से अब तक 35 किलो RDX भारत में बम ब्लास्ट के लिए पहुंचा चुका है। IB रॉ और राजस्थान की इंटेलिजेंस एजेंसी ने इस नेटवर्क का भंडाफोड़ किया है। गिरफ्तार पाकिस्तानी एजेंट के पास से एक डायरी भी बरामद हुई है, जिसमें सारे डिटेल लिखे हैं। इसमें लिखा हुआ है कि कब का पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी इसके खाते में पैसे डालती थी, इसके काम के बदले ISI 10 से लेकर 60 से 70 हज़ार तक देती थी। नंदलाल का पूरा परिवार पाकिस्तान में है, लेकिन पैसों के लालच में ये पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के लिए तैयार हो गया। बिहार के गोपालगंज में शराब पीने के बाद 3 और लोगों की मौत हो गई। इस तरह मरने वालों की कुल संख्या 17 हो गई है। इनमें PMCH में इलाज के लिए पहुंचे 2 लोग शामिल है। इधर इस मामले में जिला प्रशासन ने मान लिया है कि 17 लोगों की मौत शराब या शराब जैसे जहरीले पेय पीने से हुई है। साथ ही नगर थाने में इंस्पेक्टर DP आलोक समेत 25 पुलिसकर्मियों को गुरुवार को सस्पेंड कर दिया गया है। पुलिस की छापेमारी के बाद गिरफ्तार 6 लोगों सहित कुल 14 लोगों पर अवैध ढंग से शराब बनाने बेचने के आरोप में नगर थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई है। इसमें इन लोगों को 17 लोगों की मौत का जिम्मेवार बताया गया है। प्रशासन इस टोले पर सामूहिक जुर्माना या उससे भी बड़ी सजा पर विचार कर रहा है। अमेरिका के 72 सांसदों के एक समूह ने अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा से दलाई लामा के तिब्बत लौटने के अधिकार का सार्वजनिक रूप से समर्थन करने और चीन के जेल में सड़ रहे सभी राजनीतिक कैदियों की तत्काल और बिना शर्त रिहाई के लिए आह्वान करने का अनुरोध किया है। सांसदों ने ओबामा को एक पत्र में लिखा है, हम ये कहने के लिए पत्र लिख रहे हैं कि पद पर रहते हुए आप अपने शेष कार्यवधि के दौरान तिब्बत के लोगों का समर्थन करने के प्रयास तेज करें। 17 अगस्त को लिखे 3 पृष्ठों वाले पत्र में कहा गया है कि तिब्बती लोग अमेरिका को अपने दोस्त की तरह देखते हैं। ये उनकी दोस्ती को नए सार्थक संवाद को बढ़ावा देने के लिए रचनात्मक रणनीतियों और उनके अनोखे संस्कृति धर्म और भाषाएं पहचान को बचाए रखकर सम्मान देने का समय है। खबरों के सफर में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की पल पल की खबरों के लिए जुड़े रहिए मेट्रो TV के साथ।